फाइनली हमारे बीच जो है प्रोजेक्ट कार्स गो अवेलेबल है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अभी। तो ये गेम जो है कुछ गेमर्स को पसंद भी आ सकती है, कुछ को नहीं भी आ सकती, क्योंकि ये नॉर्मल जो रेसिंग गेम्स होती है, जैसे आप एसफाल्ट 9 8 खेलते होंगे, और उसमें जो है मैनुअल स्टीयरिंग होती है, आप जो है खुद से कार को स्टीयर कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये टैप रेसिंग है। और मेनली जो है स्कीम जो है इसकी कार्स को हैंडल करने की, वो है टैप करके आप एक्सेलरेट नहीं, माफ़ कीजिएगा, टैप करके आप गियर चेंज कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, रिलीज़ करते ही कार जो है खुद ब खुद जो है वो आगे बढ़ेगी, एक्सेलरेट होगी वो। तो बिना कुछ ज़्यादा बातचीत किए हुए मैं इसकी सेटिंग्स जो है आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप क्या इसमें चेंज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मोड में फ्रेम रेट है, आप सेट कर सकते हैं। एनर्जी सेवर मोड है, ग्राफिक सेटिंग है, हालांकि जब मैंने इसे डाउनलोड किया था तो ये मीडियम सेटिंग पे थी। आप हाई जा सकते हैं, अल्ट्रा जा सकते हैं, और अल्ट्रा से ऊपर इनसेन भी जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक जो है रेस दिखाना चाहता हूँ, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि गेम में आप किस तरह से कार को हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टैप होल्ड रिलीज़, टैप करके आप गियर को चेंज कर सकते हैं, होल्ड करके आप ब्रेक लगा सकते हैं, रिलीज़ करके ब्रेक को जो है डिसेबल कर सकते हैं। ये जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइन के आते ही आप अगर टैप करेंगे तो आप गियर चेंज कर सकते हैं। जो ग्रीन लाइन आती है, ये ब्लू लाइन पे जो है आप गियर चेंज कर सकते हैं। रेड लाइन पे आपको टैप करके होल्ड करना है, ग्रीन लाइन आते ही इसे छोड़ना है, फिर रिलीज़ करना है, फिर से रेड लाइन आते ही आपको टैप करके होल्ड करना है, ग्रीन लाइन आते ही इसे फिर रिलीज़ करना है, ताकि कार जो है एक्सीलरेट हो पाए। फिर से टैप होल्ड। तो कंट्रोल जो है बस इतनी सी ही है, ग्राफिक्स अच्छी है गेम की, कंट्रोल जो है स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। खैर, जो भी इस गेम में इन ऐप परचेजिंग भी अवेलेबल है, ये भी एक अच्छी बात नहीं है इस गेम के बारे में। इन ऐप परचेजिंग अवेलेबल है, हालांकि देखना ये है कि किस हद तक ये गेम आपको फोर्स करेगी रियल मनी पे करने के लिए। एक और अच्छी बात नहीं है, वो है फ्यूल सिस्टम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो सबसे ऊपर में येलो कलर की है, राइट कॉर्नर पे टोटल नंबर जो है फ्यूल की 60 है, मेरे पास जो है फ़िलहाल अभी 36 है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि आप 2 3 घंटे जो है गेम को खेल सकते हैं, तो शायद ये पॉसिबल ना हो पाए, आपके पास फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, फिर शायद उस फ्यूल को भरने के लिए आपको रियल मनी पे करना होगा। तो ये जो है अच्छी बात नहीं है इस गेम के बारे में। मैं ये नहीं कहता कि मुझे इस गेम से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि जैसे ही किसी गेम के टाइटल के बाद गो लग जाता है, आप तुरंत समझ जाते हैं कि वो गेम कैसी होने वाली है। लारा क्रॉफ्ट गो, हिटमैन गो, ये सारी गेम जो है उनकी एग्जाम्पल है। तो फिर भी ये जो गेम है प्रोजेक्ट कार्स, काफ़ी जो है बड़ी टाइटल है। अगर आपके पास पीसी है, पीसी गेमिंग करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अलग है ये गेम प्रोजेक्ट कार्स से। ये आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं फोर्जा स्ट्रीट, फोर्जा जो आप कंसोल पे खेलते हैं, और फोर्जा स्ट्रीट जो आपके पास मोबाइल गेम है, दोनों में कितना फ़र्क है। तो आप कह सकते हैं कि फोर्जा की ही एक तरह से क्लोन है, थोड़ी बहुत कंट्रोल में डिफरेंस जो है होगी, बट क्लोन कह सकते हैं आप। गेम आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया फ्री है गेम, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने अपडेट कर दिया है। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।